क्यों नहीं रहे हो? क्या भूख नहीं। अरे ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम्हारी भूख ही उड़ गई? छोड़ दे कि वो मेरे को क्या जवाब दिया उसने? आप जानती हूं मैं, जायरा से बात करने गई थी ना, तो आपको कैसे पता कि मैं जायरा के घर गई थी? जैसे कमरे से बाहर अंदर की आवाजें आती हैं, उसी तरह कमरे के अंदर भी बाहर की आवाजें सुनाई देती हैं। और तुम अच्छे से जानती हो मैं इस बात के खिलाफ हूं। आखिरी बार समझा रही हूं मैं तुम दोनों को, उमेर के स्टेटस में और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। जायरा और उमेर का रिश्ता चाहे जैसा भी चल रहा हो, तलाक तो नहीं हुई है ना उन दोनों की? इसलिए बेहतर है कि दूर रहो। वरना जो हमदर्दी तुम जायरा को दे रहे हो, उस हमदर्दी के लायक हम बन जाएंगे। वो भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो तुम क्यों नहीं जायरा? बहुत फर्क है मुझ में और उमेर में। मैं उमेर की तरह बेवफा नहीं हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो, बहुत खुश, सबसे ज्यादा खुश। और जिन लोगों के लिए तुम अपने आंसू जाया कह रही हो, देर नॉट एट ऑल वर्थ इट। वो बिल्कुल भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करते। मैं मानता हूं कि बहुत गलत किया हूं मैं, तो क्या आप उसके लिए तुम अपने आप को टॉर्चर करोगे? नो। उमेर से एक दफा मोहब्बत करके मैं खुद को इमोशनल टॉर्चर दे चुकी हूँ। नॉट अगेन। Thank you.
यही गलत फहमी है आपकी कि उसके निकाह में उसकी बीवी है। अम्मी ये मजाजी खुदा जैसे टाइटल मर्दों को ऐसे नहीं मिल जाते। कुछ हकूक होते हैं, कुछ फराइज होते हैं जो पूरे करने होते हैं, और उमेर सिवाय उसकी जिंदगी पर बात करने के कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जाके ये सारी बातें उमेर को बताओगे तो वो खुशी खुशी जायरा को तलाक दे देगा, है ना? मुझे जो भी करना पड़ा वो मैं करूंगा, मगर अब जायरा को मजीद तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा।